देखिए कक्षा 8वीं का गणित का सवाल दिया है प्रश्नावली 5.2 में। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2 में दिया है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, बिना गणना के ज्ञात करना है वर्गमूल, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे समझना होगा सबसे पहले संख्याओं में, ठीक है, संख्याओं में अंकों की संख्या n बराबर सम, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2 होगा, ठीक है। संख्याओं में अगर अंकों की संख्या n बराबर सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, n/2 होगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे तथा यहाँ पे लिख दे रहे हैं n तथा n बराबर विषम, n बराबर विषम संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अगर विषम होगा तो n+1/2 होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे 1 में दिया है संख्या 81। अब हम संख्या 81 को देखेंगे तो यहाँ पे कितना अंक है, 8 और 1, यानी कि 2 अंक है। संख्याओं में अंकों की संख्या यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 8 और 1 दो अंक हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 अंक क्या है, सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है संख्याओं में अंकों की संख्या n बराबर सम, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2, यानी कि n के मतलब नंबर, ठीक है, n/2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, सम संख्या है, यानी कि 2 है, 1 और 2। तो सर जब सम संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, n/2 को n की जगह पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि n 2 जो है सम संख्या है, 2/2 हो गया, 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 एकम 2 कितना आया, 1। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ रहा ना समझ में। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 में 1, 2, 1, यानी 121। इसमें कितना है, संख्याओं में अंकों की संख्या इसमें कितना दिया है, 1, 2, 3 कितना है, 3 है। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो 3 देखिए 3 क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है तथा n बराबर विषम संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2। तो यहाँ पे 3 है, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो 3 को लिखेंगे। इसका सूत्र क्या दिया है विषम संख्या का, n+1 यही ना दिया है, 2/2। तो n की जगह पर हम 3 को लिख लेंगे, ठीक है। तो 3+1 2/2 हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा। तो 3 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 4/2, 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 दुना के 4। तो इसका आएगा वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना आएगा, इसका 2 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह 256 दिया है, तो
एक दो तीन, 256 में अंकों की संख्या कितना है? 3 है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो विषम संख्या में क्या सूत्र यहाँ पे दिया है? एन प्लस 1/2। तो एन की जगह पे यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 3 + 1 यानी कि हो जाएगा 4, 4/2, फिर 2 से भाग देंगे, 2 × 4। तो इसका भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 4479 में कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 4 है। तो 4 क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या का यहाँ पे क्या दिया है? सूत्र n बट्टे 2, ठीक है। तो 4 को हम n की जगह पर लिखेंगे तो 4/2 हो जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 × 4। इसका भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 361, 361 में कितना अंक है? 1, 2, 3, 3 है। तो ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2, तो विषम संख्या है 3, तो 3 + 1, 4, कितना हो जाएगा? 4, 4/2, 2 से फिर 4 में भाग करेंगे तो 2 × 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इसमें दिया है कितना अंक? संख्याओं में अंकों की संख्या इसमें कितना दिया है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो 5 क्या है? विषम संख्या है। तो इसका हो जाएगा 5 + 1, 6, 6/2, 2 से 6 में भाग करेंगे तो 2 × 6, तो इसका आ रहा कितना वर्गमूल में अंकों की संख्या? 3, ठीक है। इसका लिखेंगे कितना? 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन सभी संख्याओं में, इन संख्याओं में अंकों की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। तो क्या करेंगे? 6 को देखेंगे क्या है, सम है कि विषम है। तो 6 सम संख्या है, ठीक है। तो 6/2 हो गया, 2 से फिर भाग देंगे 6 में तो 2 × 6, इसका भी हो जाएगा कितना? 3। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 बन गया।